अब तो सरकार के 10 साल हो गए, 10 नंबरी होगी सरकार, तो बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का क्यों नहीं बढ़ा? जो घोषणा पत्र में लिखा था कि एम्स कितने बजाए जाएंगे, उसका जवाब क्या है इनके पास? सड़कों के लिए, एक्सप्रेसवे के लिए और प्रदेशों को पैसा मिल रहा है दिल्ली से, यूपी की सरकार को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? नदियां आपकी मर रही हैं, नमामि गंगे का नाम पे आपने पैसा लिया, लेकिन वो पैसा कहाँ बहा दिया आपने? अगर बिजली सस्ती मिल जाए दिल्ली से, तो हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को इतनी बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। This video presented by Al Sharay PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road. Al Sharay PU College for Girl, Mijgori Road. Gulbarga Girls PU College, Basveshwar Colony. Al Sharay BSc Degree College for Girls, Yadula Colony. And Happy Days Play School, Old Jivargi Road. अब तो सरकार के 10 साल हो गए, 10 नंबरी होगी सरकार, 9 साल पूरे हो गए, तो इसका मतलब 10 नंबरी हो गई सरकार। क्या उपलब्धि है सरकार की? एम्स के लिए आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कितने एम्स आएंगे, आपका घोषणा पत्र पढ़ कर देखिए। स्मार्ट सिटी, आपने कितने स्मार्ट सिटी बना दिए पूरे देश में। मैंने सदन में भी कहा कि एक्सप्रेसवे के लिए पैसा दिल्ली सरकार दे रही है, एनएचआई से बनवाए, आखिरकार उत्तर प्रदेश को वो पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? जिस समय बनारस को 24 घंटे बिजली दी गई थी, उस समय उत्तर प्रदेश के लिए कहा गया था कि कोटा बिजली का बढ़ाया जाएगा, ये सरकार कोटा नहीं बढ़ा पाई 9 साल वाली सरकार से। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, तो बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का क्यों नहीं बढ़ा? इसका जवाब क्या है? जो घोषणा पत्र में लिखा था कि एम्स कितने बजाए जाएंगे, उसका जवाब क्या है इनके पास? सड़कों के लिए, एक्सप्रेसवे के लिए और प्रदेशों को पैसा मिला है दिल्ली से, यूपी की सरकार को पैसा क्यों नहीं मिला है? बड़ा बड़ा आयोजन किया गया इन्वेस्टमेंट के नाम पर, कितना इन्वेस्टमेंट जमीन पर पहुंचा है, कितना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिला है? स्मार्ट सिटी के नाम पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था, आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या काम किया है? नदियां आपकी मर रही हैं, नमामि गंगे के नाम पे आपने पैसा लिया, लेकिन वो पैसा कहाँ बहा दिया आपने? क्या जवाब है आपके पास? अगर बिजली सस्ती मिल जाए दिल्ली से, तो हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को इतनी बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा।